हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हाँ, होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है सोमवार। सोमवार में मैं आज दो ब्लॉग्स डाल रही हूँ। पहले वाला एक वीडियो था, अभी ब्लॉग। मैं सुबह का चाय ले रही हूँ, साथ में सुबह का नाश्ता भी बना रही हूँ। अभी खा के चले गए, उनके लिए फ्राइड राइस मैंने बना के दी है, ये हार्दिक के लिए, उसके लिए रोटी और आलू की सब्जी, और यहाँ पे मेरे लिए चाय बन रही है। अभी मतलब सुबह कब मतलब इतना खाने का मन नहीं करता, बट कभी कभी चाय पी लेते हैं। तो ये है हार्दिक मच्छरदानी है ना, तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, वो पूरे नींद में है। और अभी स्कूल वगैरह बंद है, एग्ज़ाम होके गया है, तो मैं इसको नहीं जगा रही हूँ। ये देखिए मेरी चाय, दूध वाली चाय, और साथ में थोड़ा सा नमकीन ले रही हूँ। और चाय मेरा पीना हो गया, हार्दिक उठ गया है, और मैं रोटियां तभी बनाती हूँ जब वो उठ जाता है और नाश्ते के लिए बैठ जाता है, तभी मैं रोटियां बनाती हूँ गर्मा गर्म। नहीं तो मैं बना के नहीं रखती हूँ उसके लिए, जब उठता है उसको गर्मा गर्म ही परोसती हूँ। तो रोटियां बन रही है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रही हूँ, इसलिए रोटी गैस में नहीं, मतलब एकदम से डायरेक्ट गैस में नहीं मैं उसको सेक पा रही हूँ, ऐसे ही फूल ही रही है रोटियां। हाँ, तो ये हार्दिक मैंने उसको नाश्ता वगैरह करा दिया है, उसका क्लिप लेना मैं भूल गई, और थोड़ा सा उसको पढ़ा रही हूँ। अभी शायद 10:30 बजे के करीब होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। स्कूल वगैरह बंद है, एग्जाम होके गया है ना, तो नहीं तो एक दो दिन नहीं पढ़ाऊँगी तो सारा कुछ भूल जाता है, तो रिविज़न ज़रूरी है, तो रिविज़न मैं करके रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हार्दिक को पढ़ाने के बाद, ये दोपहर का टाइम है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी, जो चना होता है ना, काला चना, मतलब प्रसाद का जो रहता है, वो प्रसाद का मैंने इन दिनों विश्वकर्मा पूजा थी ना, तो बहुत सारे प्रसाद आए थे, दाल भी बनाई, सब्जी भी बनाई, और यहाँ पे मैं परवल की सब्जी बनाई हूँ, और थोड़ा सा बचा था तो चने की चटनी बना दी पीस के। तो मेरी लंच रेडी हो गया, दाल चावल परवल आलू की सब्जी और मेरे लिए चटनी। ये है हार्दिक, इसको मैंने नहला धुला दिया है, तो इसको अभी खिलाती हूँ। तो उसको खाने के बाद ना रोज़ पापड़ चाहिए, उसको पापड़ बहुत ही पसंद है, एकदम खाने के साथ साथ ही उसको पापड़ नहीं पसंद है, बाद में वो एकदम आराम से रिलैक्स से पापड़ खाता है तो उसको पापड़ पसंद है, तो उसको पापड़ मैं दे देती हूँ। वैसे आज कराटे क्लासेस है, उसके लिए निकलना है, अभी कितने बजे, 2:30 बजे होंगे, वो पापड़ खा लेगा, उसके बाद 3 बजे तक शायद उसको थोड़ा सा आराम करने के लिए दे दूँगी। तो आज थोड़ा सा फ्लोर को चकाचक कर लेते हैं। यहाँ पे कलर देख रहे हो आप, हार्दिक ने सारा कुछ मतलब यहाँ पे, एक दिन आप लोगों को बताई थी ना फ्लोर पर ये जंगल पानी वो डैम बना रहा था कलर से, क्रेयन कलर से, तो मैं उसी को अभी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, होप कि निकल जाए। वैसे क्रेयन कलर्स ऐसे नहीं निकलता है, और अभी क्या है ना, अगर बैठ जाऊँ कुर्सी वगैरह लेके इस फ्लोर पे, वो बहुत फिसलता है, क्योंकि क्रेयन कलर्स बहुत मतलब मोम का बना हुआ होता है ना, तो फिसलन भरा हो गया है थोड़ा सा फ्लोर, तो इसलिए मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें फ़ोन आ गया फ़ोन को मैंने उठाया, वो ऑनलाइन कुछ कपड़े मैंने ऑर्डर किए थे, उसका फ़ोन आया था, उस भैया का, बोल रहे थे कि आप ले जाओ, मैं आपके गेट में हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ फ्लोर को फ्लोर से वो कलर निकालने के लिए, ऐसे पोछा लगा के, बट निकल नहीं रही है, पोछे से तो नहीं निकलेगी ये फ्लोर का कलर, देखते हो कैसे निकलते हैं। बट मैंने बहुत कोशिश की पोछा लगा के इसको निकालने की। तो ये ड्रेस आया है, एक फ्रॉक है, तो दिखाऊंगी आप लोगों को मिसो हॉल, बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं, तो दिखाऊंगी कभी आप लोग। तो देखिए 7:30 बजे के करीब कराटे क्लासेस आ गए, ये हार्दिक का स्टिचिंग चल रहा है, पैर का स्टिच करने का वो एक्सरसाइज चल रहा है, बट वो थोड़ा रो रहा था, थोड़ा वो भी लगता है ना, हार्ड भी होता है। तो 6 बजे के करीब हम कराटे क्लासेस से निकल आए थे, और रस्ते पे देखिए मतलब तो पता नहीं किस बात का जाम हो रखा था, पूरा रास्ता ही जाम हो रखा था।
देखिए हम एक पहली रिक्शा में आए थे, घर के नहीं निकले थे, तो घर में आ गई हूँ। हार्दिक का भी स्नैक्स वगैरह चल रहा है, मिल्क और ओरियो बिस्किट उसको बहुत ही पसंद है, वो ले रहा है। तो गाइज होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।